coffee shop, snacks, cakes, pastries, and much more, everybody. This is more than a metro station. This is kind of a food court in Jakarta. ये हमारी ट्रेन आ चुकी है, इसके ऊपर बैठकर हम जाएंगे बुंद्रान हिल स्टेशन पर. और ये देखिए कितनी मज़े की है यार. ये देख सकते हैं आपकी कितनी अच्छी ट्रेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बनाई गई है. यहाँ पे देखें कि एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में भी जाना काफ़ी ईजी है. एशियन एंड स्टेशन बुंद्रान ही. And it's the current temperature in the bus 22 degrees centigrade. Hello everybody, loves from Indonesia. इस वक्त आपका भाई अपनी यूनिवर्सिटी में मौजूद है, त्रिशाक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म में, जो कि साउथ जकार्ता में वाक़ है. और आज की इस वीडियो में आपका भाई जाएगा MRT के किसी करीबी स्टेशन पर, वहाँ से जाकर MRT ट्रेन के ऊपर ट्रैवल करेगा और आपको दिखाएगा कि जो MRT जकार्ता का ट्रांजिट सिस्टम है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो कैसी है और कितने का टिकट मिलता है और ट्रैवलिंग कैसी है, कंफर्टेबल है या नहीं है. तो अभी मैं ATM जाता हूँ, कुछ पैसे निकालता हूँ, उसके बाद फिर गोजक या ग्रैब बुक करवा के आगे निकलते हैं. और ये ATM से मैंने 1,00,000 रुपया 100,000 निकाल ली हैं. तो ATM से हमने पैसे निकाल लिए हैं, अभी गोजक से मैं गाड़ी बुक कर रहा हूँ, उसके साथ हम बैठ कर फिर जाएँगे MRT के स्टेशन पर. ये देखें तकरीबन 21,000 रुपये में हमारी गाड़ी बुक हो रही है. ये हमारी राइड एक्सेप्ट हो चुकी है गोजक पे और तकरीबन 21,000 में ये हमारी राइड हुई है. ये ड्राइवर है हमारा जो आ रहा है और तकरीबन 7 मिनट तक गाड़ी पहुंच जाएगी. भाई साहब हमारी गाड़ी आ चुकी है, ये हमारी गाड़ी है और इसके ऊपर बैठकर हम MRT चलेंगे. हेलो ब्रो, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन. इधर अच्छा एसी लगा हुआ है, काफ़ी गर्मी थी बाहर और अभी थोड़ा सुकून आएगा. I'm from Pakistan. Oh, Pakistan, then India. You from India? No, no. Kamu nama siapa? Rizal. Nama saya Hassan, saya dari Pakistan. Pakistan, yes. Kamu orang Indonesia? Yes. Kamu tinggal di Jakarta? Di Jakarta. Aku bagus sekali. Aku saya mahasiswa di Trisakti. Yang tadi itu. Trisakti, Trisakti pariwisata Trisakti. Yang tadi. Kucu-kucu होता है. Kucu-kucu होता है. You know any song of kucu-kucu होता है? Apa lagi ya? Bintang filmnya bagus banyak dia. Okay. Tumpah se'ai, yu mas kurai. तो भाई साहब ये कुछ कुछ होता है मूवी के फैन है, शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन है. और इंडोनेशिया में अगर बात की जाए शाहरुख खान फैन बेस की तो बहुत ज्यादा, लिटरली हर बंदा शाहरुख खान का फैन है यहाँ पे. तो भाई साहब MRT स्टेशन पहुंच चुके हैं. ओके मिस्टर हसन, थैंक यू थैंक यू. त्रिमाकासी बॉस, त्रिमाकासी. संपाई जंपा. और ये हम MRT के स्टेशन पर आ चुके हैं. ये देख सकते हैं ये यहाँ पे, यहाँ से हमें ऊपर जाना होगा ये स्टेज के साथ. तो ये जकार्ता की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और जकार्ता ट्रांजिट सिस्टम है. ये एक ट्रेन है जकार्ता में जिसके ऊपर ट्रैवल करके हम ऑल ओवर द जकार्ता जा सकते हैं. मोस्टली जो एरियाज़ हैं उनको यहाँ दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ये कनेक्ट करती है, जिस तरह BRT हो गया, सॉरी LRT हो गया, इनके साथ साथ ये कनेक्टिंग स्टेशन हैं. अगर जस्ट सपोज मैंने जकार्ता के किसी और हिस्से में जाना है तो मैं एक MRT के किसी स्टेशन से MRT पे बैठूंगा और अगले कनेक्टिंग स्टेशन पर जाऊंगा जहां से BRT या LRT जाती होगी. तो ये देख सकते हैं कि स्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, कितनी लंबी लंबी यहां पे ये कॉरिडोर्स बने हुए हैं, या इनको गैलरीज कह लें, कुछ भी कह सकते हैं. रास्ता भी काफ़ी कुशादा है, देखें कितना खुला रास्ता है. और मोस्टली लोग जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करते हैं जकार्ता में, लेकिन स्टिल अगर जकार्ता की ट्रैफिक की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है. आई डोंट नो कि स्टिल क्या रीज़न है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो काफ़ी अच्छी है लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं रोड पर. तो भाई साहब जिस तरह पाकिस्तान में मेट्रो स्टेशन होता है, ये भी एक मेट्रो स्टेशन है, लेकिन फ़र्क यह है कि ये जकार्ता का मेट्रो स्टेशन है. यहाँ पर देखें कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्टेशन है, यहाँ पर ये कैफ़े मौजूद है रेशियो, यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म की फूड मिल जाएगी. हेलो, और यहाँ पर कुछ आइसक्रीम्स हैं, कुछ कॉफ़ी है, और जो भी किसी का दिल करता है वो यहाँ से ले सकता है. इसके साथ साथ ये देखें यहाँ पर ये कुछ मैप्स बने हुए हैं, ये मैप है जकार्ता का, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मैप है. यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सी बस कहाँ कहाँ से जाती है, मुख्तलिफ रंगों के साथ उनको वाज़े किया गया है. तो ये है कि यहाँ पे जो सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अपने एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है. आगे अगर बात की जाए तो ये टिकटिंग मशीन्स हैं, मे बी जो सेल्फ यूज़ के लिए हैं, यहाँ से खुद अपने कार्ड को रिचार्ज किया जा सकता है. यहाँ से एंट्री है, टिकट लेने के बाद अपने कार्ड को रिचार्ज करने के बाद यहाँ से अपने बैग्स को, अपने लगेज को स्कैन करके यहाँ से अंदर जाना होगा. मेरे पास तो अपना MRT का कार्ड है और उस कार्ड को मुझे रिचार्ज करना होगा क्योंकि उसके अंदर बैलेंस बहुत कम पड़ा हुआ है.
और यहाँ पे एक सीन ये होता है कि जितना करीबी स्टेशन होगा उतना कम फेयर बनेगा, जितना दूर है उतना ज़्यादा फेयर बनेगा। जस्ट सपोज़ कि मैंने फर्स्ट स्टेशन से लास्ट स्टेशन पे जाना होगा तो मेरा ऑलमोस्ट तकरीबन 20 से 25 हज़ार बनेगा, और अगर मैंने एक स्टेशन से दूसरे पे जाना है तो 5-6 हज़ार रुपये बनेगा, इंडोनेशियन रुपया की बात कर रहा हूँ। और अभी यहाँ पे आगे चलते हैं, आपको टूर करवाते हैं MRT स्टेशन का। ये देखें, दिस इज़ द फैमिली मार्ट, ये भी मेट्रो स्टेशन के अंदर ही मौजूद है, जहाँ पर कुछ बेवरेजेस, कुछ स्नैक्स और सम कॉफ़ी एंड समथिंग लाइक दैट। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा है। इफ़ यू वांट टू बाय सम सिगरेट्स यू कैन गो देयर। तो ये सब कुछ एक मेट्रो स्टेशन, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्टेशन के अंदर मौजूद है। यहाँ पे कुछ एक और देखें कि एक और कॉफ़ी शॉप है, यहाँ से आप कुछ ले सकते हैं, दिस इज़ सम कॉफ़ी समथिंग लाइक दैट। ये देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने जकार्ता में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करना तो बहुत ज़्यादा इजी है, सारी बसें सारी ट्रेन इंटरकनेक्टेड हैं। ये MRT, वो जो सामने ट्रेन देख रहे हैं उसका स्टेशन है। ये साथ ट्रांस जकार्ता एक और सर्विस है, वो भी यहाँ से गुजर के जाती है। तो बंदे यहाँ पर आएँगे जिन्होंने यहाँ से कहीं और जाना है, वो यहाँ से MRT से ड्रॉप होंगे, उसके बाद उस गाड़ी को बैठ के कहीं और चले जाएँगे। तो ये है जकार्ता का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। हेलो आपका कबर। तो इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, आई गेस सो दिस इज़ द ट्रेन दैट इज़ MRT, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि वो यही है, क्योंकि वो ट्रेन के ऊपर ही मैंने ट्रैवल किया था, मैंने एक दफ़ा पहले ट्रैवल किया हुआ है। स्टिल ये MRT का स्टेशन है, मैं समझता हूँ कि यार ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें, कुछ फूड है, कॉफ़ी शॉप, स्नैक्स, केक्स, पेस्ट्रीज एंड मच मोर एवरीबडी। This is more than a metro station. This is kind of a food court in Jakarta. वो देखें सामने, कपड़ों की शॉप्स भी लगी हुई हैं। तो भाई साहब, जकार्ता जो है वो फ्यूचर का न्यूयॉर्क बनने वाला है, फ्यूचर का सिंगापुर बनने वाला है, फ्यूचर का दुबई बनने वाला है। आई गेस सो कि अभी भी ये एक हार्ड टाइम दे रहा है दुबई को, बिकॉज जकार्ता इज़ नॉट लाइक दैट, कि जो हमने सुना हुआ है कि ये कोई डिवेलप नहीं है। जकार्ता जितना डिवेलप आई गेस शायद ही साउथ एशिया में कोई और होगा। अभी हम चलते हैं, अपने टिकट्स को, अपने कार्ड्स को रिचार्ज करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे। ये देखें कि यहाँ पर मूवी की एडवर्टाइजमेंट किस तरह हो रही है, बड़े प्रॉपर तरीके के साथ, एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, कि कोई खंभों के ऊपर नहीं लगे हुए पोस्टर्स, कोई डंडों के ऊपर नहीं लगे हुए, बिल्कुल एक अच्छे तरीके के साथ मूवी की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। और सफाई की बात की जाए तो आपको हार्डली यहाँ पर कोई मिट्टी का ज़र्रा नज़र आएगा। वो हमारे पंजाबियों में एक कहावत मशहूर है कि यहाँ पर बैठ के चावल खाए जा सकते हैं, कि यहाँ पर मिट्टी नहीं मिलेगी आपको। तो अभी टिकट ऑफिस वहाँ पे है, मुझे वहाँ पे जाना होगा। तो अभी ये समी है, समी आओ फिर हम अपने कार्ड्स को रिचार्ज करते हैं। आई थिंक उधर से होना, वो सामने में होना, रिचार्ज करिए। तो यहाँ पे सेल्फ सर्विस हमें नहीं लगता कि हमें पता होगा, मुझे लगता है कि हमें उनको जाके कहना होगा। वो सामने सेल्फ सर्विस है, वो तो हमें नहीं पता कि किस तरह उसको यूज़ करना होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से टिकट ऑफिस से ही करवाते हैं, तकरीबन 20 हज़ार मेरा दिल है कि इसमें हम एंटर करवा लेते हैं, 20 से 25 हज़ार। तो भाई साहब, ये एक इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इस वक्त इस स्टेशन पर मौजूद हैं, लिबक बोलस ग्रैब, और हमने जाना है बुंदरान ही स्टेशन पर। यहाँ पर देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 टोटल 13 स्टेशन है यहाँ पर, और हर स्टेशन का किराया मुख्तलिफ है। ये नहीं है कि यहाँ पर भी इतना सेम है, यहाँ पर भी सेम है। अगर आपने यहाँ से यहाँ पर जाना तो जस्ट 4000, यहाँ से यहाँ भी 5000, एंड जिस स्टेशन से इस स्टेशन से जिस स्टेशन पर हमने जाना उसका है 14000 बुंदरान ही। और उसके लिए हमें MRT का अपना कार्ड रिचार्ज करवाना होगा, और उसको टॉप अप करवाने का तरीका जो है वो मैंने इनसे पता किया है। जस्ट मैंने अपना कार्ड इस ऑफिसर को देना है, ये इसके अंदर जितनी अमाउंट मैंने टॉप अप करवानी होगी वो करवा लेंगे। तो अभी मैं 14000 करवाऊँगा, और जब यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, जब वापस आना होगा, वहाँ से भी 14000 अपने कार्ड में रिफिल करवा के। है ब्रो, हेलो, आई जस्ट वांट टू टॉप अप 14000 टू बुंदरान हाई स्टेशन। या बुंदरान हाई स्टेशन के लिए ये भी 14000 इसके अंदर टॉप अप करेंगे। तो ये भी 14000 हमने इनको दे दिया। और प्रेमा कैसी, ये आप देख सकते हैं कि हमारा कार्ड रिचार्ज हो चुका है बुंदरान ही स्टेशन के लिए, जो कि बुंदरान ही सेंट्रल ऑफ जकार्ता में मौजूद है। और हम यहाँ से सेंटर ऑफ जकार्ता जाएंगे, और रास्ते में आपको दिखाएँगे कि MRT जो मेट्रो स्टेशन है या मेट्रो बस स्टेशन है, जकार्ता की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कैसी है। यहाँ पर हमें अपने बैग्स को स्कैन करना होगा। हेलो, बहुत ही फ्रेंडली स्टाफ है यहाँ पर। जब मैंने अपने बैग्स को यहाँ पर रख दिया, और अभी यहाँ से मैंने चेक थ्रू गेट से गुजरना होगा।
इसके बाद मुझे ये अपना बैग मेरा यहाँ पे आ गया है। वहाँ पे ऑफिसर्स की स्क्रीन पर आ रहा है कि बैग के अंदर क्या क्या था। और अभी ये सर हमारे दोबारा यहाँ पर आ चुके हैं। सेमा कैसी, ये देख सकते हैं कि हाथों को हाथ जोड़कर एक बड़े ही मुद्दबाना तरीके से ये वेलकम करते हैं। ये यहाँ का एक ट्रेडिशनल स्टाइल है गेस्ट को वेलकम करने का। तो मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली स्टाफ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लोग हैं ये। अगर यहाँ पर मैं स्टेशन की बात करूँ तो स्टेशन बहुत ज़्यादा खुला है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई बुक स्टॉल भी लगा हुआ है, मे बी रेंटल बुक्स हैं, आई डोंट नो क्या सीन है। और अभी समी मेरा दोस्त पीछे रह गया हुआ, वो सामने खड़ा हुआ है, वो आता है तो हम आगे चलते हैं। तब तक ये देखते हैं कि यहाँ पर देखें कि वही इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है हर जगह पर, इसको अवेज़ा किया गया ताकि मिस इन्फॉर्मेशन का कोई चांस ना हो। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेंशन है जगह जगह पर, ये इस तरह के बोर्ड्स लगे हैं, वो सामने देखें उस तरफ भी लगे हुए हैं। ये स्टेशन है जहाँ पर हम मौजूद हैं, लेबक बोलोस ग्रैब, इससे हम जाएंगे बुंदरान हिल स्टेशन पर। जैसे कि मैंने पहले सफाई की बात की थी, यहाँ पर देखेंगे सफाई करने वाला स्टाफ यहाँ पर हर वक्त मौजूद होता है। थोड़ा सा भी यहाँ पर कोई गंद कचरा नज़र आएगा उसी टाइम उसको साफ़ किया जाएगा, ये नहीं होगा कि एक स्पेसिफिक टाइम होगा उस टाइम ही सफाई होगी, उसके बाद फिर 10 घंटे रश पड़ता रहे, गंद पड़ता रहे। और ये अभी हम एक और नेक्स्ट गेट पर आ चुके हैं, यहाँ पर भी एक ऑफिसर मौजूद हैं, ये गाइड कर रहे हैं यहाँ से जाना। हेलो, ये मैंने यहाँ पर अपने कार्ड को स्कैन किया, ये यहाँ पे रेड लाइट आ रही है, आई डोंट नो कि ये क्या है। या ये भी हमारे कार्ड का कोई इशू आ गया है, ये ऑफिसर चेक करेंगे कि कार्ड के अंदर क्या मसला आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे वेट करना होगा। ये यहाँ से चेक कर रहे हैं। या श्योर, उन्होंने चेक किया है कि कार्ड के अंदर बैलेंस मौजूद है कि नहीं है, लेकिन कार्ड में मेरा बैलेंस मौजूद है लेकिन कार्ड नहीं मेरा चल रहा। कार्ड मुझे मिल चुका है, बट आई हैव टू डू, आई हैव टू गो बाय द अपस्टेयर्स। यू आर गुड टू द रेलवे स्टेशन, यू आर टू राइट, टू राइट अप टू द रेलवे स्टेशन। ओके ओके, त्रिमा कैसी। तो भाईजान सीन ये था कि ये मेरा जो गलत रास्ते पर आ गया था, ये किसी और स्टेशन पर जाएगी, जाने के लिए अपने स्टेशन पर हमें ये अपस्टेयर्स पर जाना होगा, वहाँ पर जाकर ये कार्ड चलेगा। क्योंकि जो कार्ड यहाँ पर रीफिल किया जाता है वो एक स्पेसिफिक स्टेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि उसके अलावा ये कहीं और के लिए वैलिड नहीं होता। ये यहाँ पर हम आ गए हैं, वो आप देख सकते हैं ऊपर MRT का दिखा भी हुआ है, और मुझे लगता है कि यही वो बस स्टेशन है जो मेट्रो स्टेशन है। देखें कि कितने मज़े का आर्ट किया हुआ है साइडों पे भी, बहुत ही खूबसूरत है और लिटरली बहुत ही ज़्यादा आँखों को सुकून देने वाली जगह है ये। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ के इस साइड पर वो सामने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें खड़ी हुई हैं, वो देखें रेल की पटरियाँ भी हैं, काफ़ी ट्रेन्स वहाँ पे भी खड़ी हुई हैं, और वो कोई सामने मस्जिद है, इसके अलावा कुछ बिल्डिंग्स हैं। और ये है प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आएगी हमारी ट्रेन। ये देख सकते हैं आप कि काफ़ी अच्छी रेल की पटरी नज़र आ रही है, इवन तो रेल की पटरी भी आप देखेंगे तो कितनी साफ़ सुथरी है। और दिस इज़ द प्लेटफॉर्म 2, और यहाँ पर हमारी बस आएगी, हम उसका वेट कर रहे हैं। हर जगह CCTV लगे हुए हैं, रात के टाइम पर यहाँ पे लाइट्स ऑन होंगी, यहाँ पर प्रॉपर जगह बैठने की बनी हुई है, जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। और कोई धक्कम पेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ ट्रैवलर्स के लिए जो डेली कम्यूट करते हैं उनके लिए बनाया गया है। बस ये कार्ड होना चाहिए आपके पास और आप इसको रिचार्ज किया हो तो आप जा सकते हैं। यार मैं हैरान हो गया इसको देख के, ये देखें हर कोई आ रहा है प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ, कोई यहाँ पर धक्के नहीं मारे जा रहे, कोई यहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा। जैसे आपने स्टेशन में आना है, कार्ड को रिचार्ज करना है और बैठ के चले जाना है। ये यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आपको देखा होगा कि वीडियो में किसी एक जगह पे भी आपको कोई मिट्टी का ज़र्रा नहीं नज़र आया, कुछ नहीं नज़र आया, बिल्कुल साफ सफाई है यहाँ पे। देखें छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं। एंड आई गेस दिस इज़ द लिफ्ट, इफ़ आई वॉन्ट टू गो डाउन आई नीड द लिफ्ट बट आई एम नॉट गोना गो देयर। और ये यहाँ पर व्हील चेयर्स यूज़ अस टू कॉन्टेक्ट द ऑफिसर, व्हील चेयर का लोगो बना हुआ है, मे बी जस्ट फॉर द व्हील चेयर लोगों के लिए है ये, और आई डोंट नो। ये देखें ये भी सफाई करते हैं यहाँ पे, लिटरली हर टाइम सफाई हो रही होती है, साफ़ सुथरा सीन है। ये देख सकते हैं आप, अभी हम यहाँ पे बस का वेट करेंगे और सॉरी ट्रेन का वेट करेंगे, ये तकरीबन 2-3 मिनट तक आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 3 से 4 मिनट का होता है, उसके अंदर अंदर ये आ जाती है यहाँ पर। और ये सारे लोग यहाँ पर उस ट्रेन का वेट कर रहे हैं, आफ्टर 2 या 3 मिनट्स ये आएगी
और उसके बाद हम बस के अंदर जब बैठेंगे तो आपको दिखाऊंगा मैं कि हाउ डस दिस फील लाइक टू बी इन MRT और यहाँ पर सफ़र कैसा है, झटके लगते हैं, सुकून से हो जाता है या किस तरह का है। आपको सारा एक डिटेल ट्रिप मिल जाएगा, ये डिटेल व्लॉग मिल जाएगा MRT इंडोनेशिया के बारे में। और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एक लगा हुआ है ये रोड मैप जो है यहाँ पे, दिस इज़ द स्टेशन जहाँ पे हमने जाना है बुंदरान ही, और यहाँ पर खड़े हुए हैं लिबिक बोलस ग्राफ स्टेशन पर M1 आई गेस। और ये सारा मैप बना हुआ है जकार्ता अर्बन रेलवे नेटवर्क मैप, अ सिटी ऑफ कोलैबोरेशन। तो आप देख सकते हैं कि कितना वेल ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जकार्ता का। दिस इज़ द एयरपोर्ट और दिस इज़ द मोनस जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, आई डोंट नो वेयर एम आई, बट इट्स ओके क्योंकि मैं मुझे मैप्स पढ़ने नहीं आते अच्छे से, बट आई हैव टू लर्न दिस बिकॉज जकार्ता इज़ फुल ऑफ मैप्स। ये अनाउंसमेंट हुई है और मुझे लगता है कि ट्रेन यहाँ पर आ रही है। तो भाई साहब ये हमारी ट्रेन आ चुकी है, इसके ऊपर बैठ कर हम जाएँगे बुंदरान ही स्टेशन पर। और ये देखिए कितनी मज़े की है यार, मैं कहता हूँ इसके ऊपर बैठ कर डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ से ये डोर ओपन होगा और यहाँ पर एक सीन हुआ है कि मेरा जो कार्ड है ATM कार्ड वो मैं अपने गोजक में मिस कर बैठा हूँ, ड्रॉप कर बैठा हूँ, और शी इज़ हेल्पिंग मी और ये मेरी मदद कर रही है उस गोजक ड्राइवर को दोबारा से रीच आउट करने की। हम यहाँ पे, ओह माय गॉड इट्स सो गुड, लाइक देयर इज़ अ प्रॉपर एयर कंडीशनिंग इन द बस इन द ट्रेन, सॉरी आई लाइक इट, बट द थिंग इज़ आई हैव टू फाइंड माई ATM कार्ड फर्स्ट, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम losing my stuff in Indonesia and she's still trying to reach the Gojek driver, I don't know how to reach it. तो भाई साहब ये देख सकते हैं कि MRT से जकार्ता किस तरह का नज़र आता है, वो देखिए कितनी ऊंची ऊंची, कितनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं। और अगर हम MRT के बारे में बात करें तो देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एयर कंडीशनिंग के अंदर, मुझे जितना बाहर पसीना आया हुआ था या कितनी गर्मी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। और दूसरा नंबर ये है कि यार मेरा ATM का कार्ड गुम हो गया कहीं पर, आई डोंट नो कि मैंने गोजेक में उसको ड्रॉप किया है या मैं अपने कैंपस में छोड़ा है, लेकिन वो जो सामने खातून बैठी हुई हैं ब्लैक जर्सी हैं वो हेल्प आउट कर रही हैं गोजेक ड्राइवर को रीच आउट करने की, ताकि अगर गाड़ी के अंदर हमारा कार्ड रह गया हुआ तो हम उसको कलेक्ट कर लें किसी तरीके से, या वो भी हमारे जो पिकअप लोकेशन थी वहाँ पर ड्रॉप कर दें। तो जहाँ तक इस ट्रेन की बात है, ये देख सकते हैं आपकी कितनी अच्छी ट्रेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बनाई गई है। यहाँ पर देखें कि एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में भी जाना काफ़ी ईजी है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है लेकिन वो सिर्फ भाषा इंडोनेशिया में दी जा रही हैं। इफ यू टॉक अबाउट द स्टेबलाइजेशन इट्स सो क्वाइट नॉर्मल, कि मैं अगर यहाँ पर अपने हाथ छोड़ के भी खड़ा हुआ हूँ तो इट्स सेफ फॉर मी बिकॉज द ट्रेन इज़ सो मच स्टेबल। अभी हम किसी अगले स्टेशन पर आ चुके हैं और यहाँ से ये डोर ओपन होंगे और अंदर पैसेंजर्स आएंगे। वापस अपने कंपार्टमेंट में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हेलो आपा कबर, ये देखें ये ट्रेन चल रही है, रुक रही है, कोई पता नहीं है, बिल्कुल इजी सी ना ब्रो। तो अभी यहाँ पर मैं वापस बैठूँगा और आई एम स्टिल इन टेंशन बिकॉज माय ATM इज स्टिल नॉट रिकवर्ड। I think the driver cannot be contacted right now. Okay. But there is like a ticket number from the app to hold it. I don't know how to explain, but I really like this train, the MRT. You can see the train is so clean. If I want to stand, I have the handles to put there. Or iske alawa, if I want to sit there, I have a lot of seats. But the main thing is the instructions are in Bahasa Indonesia and I don't know like what he is saying. Aur agar wo English mein kehta to definitely mujhe samajh aa rahi hoti. Aur there is a good air conditioning. That's why I'm feeling a little cold. The next station is Block M BJR. So abhi next jo station hai wo Block M hai. Ye main assume hi kar sakta hu because English mein to nahi ho raha. To all passengers, please check your belongings and step carefully. इसको गौर किया है कि ये पहले भाषा इंडोनेशिया में बोल रहा है उसके बाद इंग्लिश में, सो आई गेस दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज इफ समबडी इज इन इंडोनेशिया बीइंग अ फॉरेनर एंड डोंट नो हू कैन नॉट स्पीक भाषा इंडोनेशिया ही कैन गेट द इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड दैट्स वेरी कूल। एंड अगेन एवरीबडी शी इज स्टिल हियर एंड शी इज ट्राइंग टू रीच माई गोजेक ड्राइवर एंड आई रियली अप्रिशिएट हर। तो भाई साहब यहाँ पे देखें प्रॉपर मेंशन लिखा होता है कि आई गेस ये पहले इंग्लिश में लिखा हुआ था, करंट स्टेशन एजियन एंड स्टेशन बुंदरान ही,
and it's the current temperature in the bus, 22 degrees centigrade, and still there is a map of the MRT route map. Hello, apa khabar? Bike. Hum aakhri station pe pahunch chuke hain, Bundran Hill station. This is the Bundran Hill station? No, it's Dukatas. It's not the Bundran Hill station. Oh, just come back. It's not the Bundran. There's one और ये पुंदरान ही स्टेशन नहीं था, हमें गलती लगी थी लेकिन कोई बात नहीं है. खैर यू शुड थैंक मी बिकॉज़ आई जस्ट सी ऑन द स्क्रीन द नेक्स्ट स्टेशन वाज पुंदरान ही. वो ये देखें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था बिकॉज के ये यहाँ पे इनको भी गलती लगी थी. शी इज़ फ्रॉम इंडोनेशिया और इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्क्रीन के वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये फलां वाला स्टेशन नहीं है, पुंदरान ही स्टेशन नेक्स्ट. आई डोंट नो कि क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यार बहुत ही हेल्पफुल ट्रेन हैं ये. अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है पैसेंजर्स के लिए ताकि कोई गलती की कमी ना रह जाए, गलती की कोई गुंजाइश ना रहे. और अभी हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं स्टेशन पर. जैसे जैसे हम लास्ट स्टेशन के लिए पहुँच रहे हैं, ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रही है. काफ़ी लोग खड़े हुए थे और अभी बस काफ़ी ज़्यादा सीट्स भी खाली हो चुकी हैं. So this is the last station. Yeah. You can check it on the screen. I get influenced by you. Yeah, this Bundran Hill station. और यहाँ पे भी सारे बंदे उतरेंगे क्योंकि this is the last station. You can see this Bundran Hill. और ये भी doors open हो चुके हैं MRT के last station Bundran Hill station. So देख सकते हैं कि ये station है. यहाँ पर proper information लिखी हुई है. I guess this is the time and I don't know कि क्या है ये trains की timing होगी. So for the exit, I guess I have to go by this way. And if I talk about the stairs, they are so cinematic. Yeah, बहुत ही aesthetic किस्म की stairs बनी हुई है. Like I feel like I'm in kindergarten. अभी I guess I have to go out and find an exit. So do you know where is the exit? Where are you going? Because there are a lot of exits. Oh, really? Yeah. I just want to go out. I don't know where. You just want to go out? Yeah. तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्जिट है और आई डोंट नो कि मैंने जाना कहाँ पे है. आई जस्ट वांटेड टू विजिट दिस ट्रेन बिकॉज आई जस्ट वांट टू गिव एन रिव्यू अबाउट द एमआरटी. लेट्स गो टॉक टू सिक्योरिटी. ओके. या मेबी यू कैन फॉलो. आई एम जस्ट फॉलोइंग यू. सो इफ समथिंग हैपेंस टू मी जस्ट कॉन्टेक्ट दिस गर्ल. ये अभी हमारे लिए पूछ रही है, यार इंडोनेशियन लोग इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं, आपकी सोच है, बहुत ही अच्छे लोग हैं ये. मेरे बिहाफ पर ये इन्फॉर्मेशन भी ले रही हैं, सारा गाइड भी कर रही हैं और इसके अलावा जो मेरा कार्ड गुम हुआ था उसके बारे में भी सारी इन्होंने हेल्प आउट किया. सो आई जस्ट वांटेड टू से अ बिग थैंक्स टू दिस लेडी सब्रिन. आई गेस आई जस्ट फॉरगेट हर नेम. और ये अभी ले रही हैं इन्फॉर्मेशन हमारे लिए. तो भाई साहब अभी हमने इस स्टेशन से एग्जिट करना है और उसके लिए हमें इस लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई धक्कम पेल वाला कोई इस तरह का सीन नहीं है. कोई यहाँ पर आगे लाइन तोड़ के आगे नहीं जा रहा, सारे बंदे लाइन में लगे हुए हैं और बखुशी लगे हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से लगे हुए हैं. हम भी इस लाइन में खड़े होंगे और अपने इस कार्ड को यहाँ पर टैप करेंगे. जब इसको टैप करेंगे तो हम फ्री हैं इस स्टेशन से बाहर जाने के लिए क्योंकि इसको टैप किए बगैर हमें अलाउ नहीं है कि हम इस स्टेशन को लीव कर सकें. एग्ज़िट करने के लिए और एंट्री के लिए कार्ड को टैप करना होगा और उसके अंदर बैलेंस होना चाहिए. मीन्स के बैलेंस एक दफ़ा मैंने टॉपअप करवा लिया था 14,000, अभी से 14,000 दोबारा नहीं कटेगा. लेकिन ये है कि एग्जिट के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा ताकि मेरा ये हो जाए. जिस तरह ये कर रही हैं, ये भी कार्ड को अपने को स्कैन कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ स्टाफ, सो फ्रेंडली. ओके, थैंक यू. और वो कह रही हैं कि MRT जकार्ता को इंस्टाग्राम पर मैंशन करना मत भूलिएगा. So this was the MRT Indonesia. So everybody, it was so cool, so good, and I really appreciate Indonesian government for building such a kind and such a nice metro station, such a nice train in the Jakarta. And it was in the heart of Jakarta. I love you, Jakarta. Aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesians. So see you in next video. Take care of yourself. Bye bye.